अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आगे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। हेलो दोस्तों, राम राम, कैसे हो आप सब। आप सबका यूट्यूब चैनल देसी जीवन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाते हैं डिनर। मैं आपके साथ अपना डिनर रूटीन शेयर कर रही हूँ, तो आइए भाई बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं भाई हलवा। कढ़ाई गैस पर रख दिया और इसमें डाल देते हैं घी। ये 500 ग्राम घी है। हम आज बच्चों के लिए खाना बना रहे हैं, बच्चों को खाना खिला रहे हैं, इसलिए तो भाई हम आटे का हलवा बना रहे हैं। घी हमारा गर्म हो चुका है और हम इसमें डाल देते हैं आटा। 600 ग्राम हमारा आटा है, तो आटे को हम डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर करते हैं भूनना शुरू। आटे को हम हल्की आंच पर धीरे धीरे भून लेंगे, चलाते हुए धीरे धीरे चलाते हुए अच्छी तरह से भून लेंगे। अगर आंच हम ज़्यादा रखेंगे तो आटा जल जाएगा और हलवे का पूरा टेस्ट ही खराब हो जाएगा, इसलिए हम धीरे धीरे आटे को भूनेंगे ताकि अच्छी तरह से आटा भून जाए। आटे को हम धीमी आंच पर ही भूनेंगे भाई। अगर आंच तेज़ करेंगे तो आटा जल जाएगा और हलवे का पूरा टेस्ट ही खराब हो जाएगा। आटे का हलवा इसलिए बना रहे हैं कि कुछ बच्चों को सूजी का हलवा बिल्कुल पसंद नहीं होता है, तो हम बच्चों को खाना खिला रहे हैं तो भाई पसंद भी उनकी होनी चाहिए। तो भाई हम चलाते हुए लगातार आटे को भून लेते हैं। आटे का कलर चेंज होना शुरू हो गया है और मैं साथ में ही बातें कर रही हूँ। दोनों गैसों पर काम चल रहा है, एक पर सब्जी बन रही है और एक पर हलवा। जल्दी जल्दी चलाते हुए हलवे को अच्छी तरह से बना लेते हैं। कुछ लोग भैया आटे को सूखा सूखा भूनते हैं, लेकिन हम इस तरह से हलवा बनाते हैं। घी की और आटे की क्वांटिटी सेम सेम रखते हैं। तो भैया हमारा आटा लगभग भून चुका है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। थोड़ी देर और हम इसको भून लेते हैं। पानी भी हमने गर्म कर लिया है और आटा हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं पानी। पानी डालने के बाद देखिए भाई, पानी वाला स्किप हो गया था। ये देखिए भाई हलवा कितना स्मूथ और अच्छा बना है। घी भी अलग हो रहा है। तो इस तरह के हलवा हम बनाते हैं भाई। सूखे सूखे हलवे में ऐसा नहीं होता है कि घी अलग हो जाए। राजस्थानी लोग भाई घी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, तो हर चीज़ में घी ज़्यादा ही रखते हैं। तब भाई डाल देते हैं चीनी। चीनी हमारी 600 ग्राम चीनी है, तो चीनी डालकर भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हलवा तो हमारा लगभग बन चुका है, बस चीनी को गलाना है और फिर डाल देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, कुछ बच्चे ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद नहीं करते, इसलिए उनके हिसाब से हम कम ही ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। आप भाई हलवा किस तरह से बनाते हैं आपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए भाई, और एक बार ये रेसिपी भी आप ज़रूर से बनाना और कैसी बनी है ये भी आप मुझे ज़रूर बताना। तो अब डाल देते हैं भाई ड्राई फ्रूट्स। हम थोड़े से काजू और किशमिश डाल रहे हैं, ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स हम इसमें नहीं ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट ऐड कर इसको थोड़ा अच्छी तरह से इनको पका लेंगे तेल अलग होने तक। अगर आप लोग इसमें प्याज डाल रहे हो तो भाई टमाटर से पहले आप प्याज को अच्छी तरह से पका लीजिए, फिर आप टमाटर और मिर्च को डाल दीजिए। ये देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह से पकना तैयार शुरू हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं सूखे मसाले। सूखे मसालों में हम डालेंगे सबसे पहले लाल मिर्ची पाउडर। लाल मिर्ची पाउडर हम 2 चम्मच डालेंगे, क्योंकि आज खाना ज़्यादा बन रहा है तो मसाले भी ज़्यादा ही जाएंगे। ये 2 भाई मिर्ची का कलर थोड़ा डिफरेंट नज़र आ रहा है, लेकिन ये रात का सीजन है तो इसलिए थोड़ा अलग नज़र आ रहा है। तो 1/2 चम्मच हम डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर और 1 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, और टेस्ट के अनुसार डालेंगे इसमें नमक, और 1 चम्मच के करीब हम इसमें डालेंगे
पान मेथी, ये भी कसूरी मेथी नहीं, ये पान मेथी है, ये होममेड है। मेथी को घर में सुखा कर बनाया गया है। भाई चने में मेथी डालना भी ज़रूरी है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग तो हर सब्जी में डालते हैं, लेकिन कुछ लोगों को पान मेथी का टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं होता, इसलिए भाई कुछ खास सब्जी में पान मेथी जाती ही है। तो इनको अच्छी तरह से मिक्स करके मसालों को ढक्कन लगा के कुछ देर के लिए पका लेंगे। मसाला हमारा अच्छी तरह से पक चुका है, तेल मसाले से अलग हो चुका है, तब हम इसमें डाल देते हैं उबले हुए चने। चने हमने कुकर में उबाल लिए थे, ये छोटे वाले चने हैं, काले चने जिनको बोलते हैं। तो चने हम इसमें डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़े चने हमने इसमें मैश कर लिए है भाई, मैश करने से ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। हम प्याज वगैरह नहीं डाल रहे इसलिए इसकी ग्रेवी पतली है। आप चाहो तो चनों के साथ आलू भी उबाल सकते हो और उसको भी मैश करके इसमें डाल सकते हो। और अब हम डाल देते हैं उबली हुई चाय पत्ती, एक चम्मच चाय पत्ती थी जिसको हमें उबाल लिया है। इससे भाई चनों का कलर थोड़ा अलग हो जाता है, बहुत ही सुंदर सा कलर नजर आता है और टेस्ट भी थोड़ा चेंज हो जाता है, तो इसलिए हम चाय पत्ती डालते हैं। आप इन चनों के साथ भाई पूरी बना सकते हो, रोटी बना सकते हो, या फिर भटूरे भी बना सकते हो। चने भटूरे की रेसिपी भी आप चाहो तो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। सब्जी हमारी तैयार हो चुकी है, तो इसमें हम खूब सारा धनिया डालेंगे भाई। तो अब बना लेते हैं भाई पूरियाँ। इसका आटा वगैरह हम नहीं दिखा पाए भाई, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए हम पूरियाँ बेल रहे हैं। तो भाई हम पूरियाँ बेल लेते हैं। नॉर्मल रोटी वाला आटा है भाई, हम इसमें कुछ भी नहीं डाला, अजवाइन वगैरह, नॉर्मल आटे से पूरियाँ बना। बच्चे भी खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो पूरियां बननी शुरू हो गई है भाई, और पूरियां जल्दी जल्दी बन रही है, चूल्हे पर आसानी से पूरियां बन जाती है भाई। तो भाई अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे वीडियोज़ को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। मेरा ये रूटीन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कोई कमी है तो भी आप मुझे बताना, ताकि मैं उस कमी को सुधार सकूँ। तो मैं आप सबको भाई थैंक यू बोलना चाहती हूँ मेरे 250 सब्सक्राइबर का आंकड़ा पूरा करने के लिए। आपका तहे दिल से धन्यवाद। आप अपना प्यार और सपोर्ट यूं ही बनाए रखना और मेरे चैनल को यूं ही आगे बढ़ाते रहना। आपके सपोर्ट और प्यार से ही मैं हूँ, आप मेरी फैमिली हो, आपके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। तो ये देखिए भाई हमारी थाली बनकर तैयार हो चुकी है, तो आप लोग भी